सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है तथास्तु शर्मा, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, बेसिकली जो लोग FBA करना चाहते हैं, जिन्होंने ये सोचा है कि हम FBA स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, इसको आप बाद में आराम से देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। इस वीडियो में मैंने इजीली बताया कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली करके बताया कि आपको अपने प्रोडक्ट्स को Amazon के वेयरहाउसेस में कैसे भेजना है। ठीक है, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि आप अपने प्रोडक्ट्स को Amazon के वेयरहाउसेस पे कैसे भिजवा सकते हैं। ठीक है, अब जो चीज़ आती है कि ये शिपमेंट क्रिएट करने के बाद कौन आपका पिकअप करेगा, कौन आपके प्रोडक्ट को Amazon के वेयरहाउसेस तक ले जाएगा, कौन आपके प्रोडक्ट को वहाँ पर डिलीवर करेगा, और फिर कैसे आपके प्रोडक्ट इनबाउंड होंगे और कैसे आपके प्रोडक्ट Amazon के वेयरहाउस पे पड़े होंगे, वो एक्टिवेटेड जो है मतलब प्राइम बैच के साथ कैसे वो डिस्प्ले होंगे, इस बारे में मैं आज आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ, और मैं आप लोगों को छोटा मोटा स्क्रीन पर ले जाकर भी कुछ चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों, क्या होता है कि जैसे Amazon के ऊपर जब भी आप शिपमेंट क्रिएट करते हैं, लास्ट में एक चीज़ पूछी जाती है कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे भिजवाना चाहते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को आप खुद भेजेंगे, या आप कोई कुरियर कंपनी लेना चाहते हैं, या आप हमसे सर्विस लेना चाहते हैं Amazon की खुद की कंपनी से। तो उस केस में क्या होता है, जैसे अगर आप चाहते हैं कि नहीं, Amazon का वेयरहाउस हमारे घर के पास में ही है या हमारे एरिया में ही है, तो हम खुद जाके देना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होता है, आपको है ना Amazon से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। कैलेंडर मिलता है आपको, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, वहाँ पर अपॉइंटमेंट का ऑप्शन होता है, आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको सिर्फ डेट सेलेक्ट करनी है, और सेलेक्ट करने के बाद टाइम स्लॉट सेलेक्ट करना है। जैसे मैं एक साधारण सा एग्जांपल देता हूँ, अपन क्या करते हैं, अपन एक मूवी का टिकट बुक कराते हैं ना, जैसे कोई मूवी देखने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमें कौन सी मूवी देखनी है, तो ये सेलेक्ट करते हैं। फिर हम बर्थ सेलेक्ट करते हैं कि भाई हमें कौन सी सीट चाहिए, हम टाइम सेलेक्ट करते हैं कि कितने बजे का शो देखना है। इसी तरीके से उसके अंदर भी एक कैलेंडर आता है, कैलेंडर में वो बताते हैं कि आपको कितने बजे आपका प्रोडक्ट Amazon के वेयरहाउस पे डिलीवर करना है, आप कितने बजे, तो वो टाइम दे रखा होता है उस पर, आप टाइम सेलेक्ट करेंगे ना, तो आपको उस टाइम अपने बॉक्सेस लेके, अपना जो भी पैकेज होता है वो लेके वहाँ पहुँचना है। और वहाँ पर एक टीम होती है, बाहर सिक्योरिटी गार्ड होता है और टीम होती है। मैंने खुद जयपुर के वेयरहाउस में सबसे पहला जो मेरा शिपमेंट मैंने दिया था, वो खुद मैंने जाके दिया था। मैं देखना चाहता था कि एक्चुअली में इनका कैसे होता है, वो अंदर नहीं जाने देते आपको वेयरहाउस के, लेकिन वो बाहर जो सिक्योरिटी होती है ना, तो वो आपका टाइम और स्लॉट का एक अपॉइंटमेंट जो है, जो भी आप अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करेंगे, वो जो अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा उसका एक लेटर प्रिंट करके उनको देना है कि मेरा इतने बजे का अपॉइंटमेंट है। लेट्स से आपका 1 अगस्त का आपका 11 बजे का अपॉइंटमेंट है सुबह का, तो आपका अपॉइंटमेंट आपके ईमेल पे आ जाएगा। सो आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से मेल आता है, मैंने आपके सामने मेल भी दिखा दिया, इस मेल को आप देख लीजिए, इसमें टाइमिंग वाइमिंग सब दे रखा होता है कि आपको इतने बजे के पैकेजेस जो हैं वो इनबाउंड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो होता है सेल्फ। दूसरा जो तरीका होता है, थर्ड पार्टी कुरियर, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर सर्विसेज के अंदर, जो आप डोमेस्टिक शिपिंग रहती है इसके अंदर आप देख सकते हैं इतनी सारी ये जो कंपनीज है, ये कंपनी जो है आपकी तरफ से, आप इनसे कांटेक्ट करिए, यहाँ से आप जो कांटेक्ट करेंगे ये आपसे वापस, ये लोग आपसे कांटेक्ट करके आपसे पूछेंगे आपको कहाँ भिजवाना है, कहाँ से पिक करवाना है, ये आपकी सारी जिम्मेदारी जो है वो ये लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इनमें से कई ऐसी कंपनीज हैं जो आपका अपॉइंटमेंट भी खुद लेती है, आपको अपॉइंटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ये अपने एंड से अपॉइंटमेंट लेती है और आपके प्रोडक्ट को इनबाउंड कराती है। इसमें थोड़ा सा डिले होने के चांसेस भी रहते हैं। ठीक है, तो आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनसे संपर्क करना है, इनसे कॉन्टैक्ट करना है, इनकी टीम आएगी, आपका जो प्रोडक्ट है उसको रिसीव करेगी, आपका जो भी बॉक्स है, और बॉक्स को रिसीव करके, आपका कंसाइनमेंट को रिसीव करके, ये Amazon के वेयरहाउस में खुद इनबाउंड करवाएंगे। तीसरी जो चीज़ है वो होती है ATS, Amazon ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। Amazon के जो बंदे पिक करते हैं ना आपके नॉर्मल पैकेज, वही बंदे आपके प्रोडक्ट को लेके जाएंगे। इसको Amazon सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। कारण क्या होता है कि ये Amazon की खुद की कंपनी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से शेड्यूल करना है, शेड्यूल करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा, आपको बस Amazon की जो है सर्विसेज लेनी है, और उसका जो पेमेंट भी जो है वो आपको कैसे पे करना है कि वो ऑटोमेटिकली आपका जो बिलिंग होगा 7वें दिन जो आपको पेमेंट आने वाला है उसमें से वो शिपिंग चार्जेस में से डिडक्ट हो जाएगा। तो ये खुद आपके यहाँ पर आएंगे, आपके पैकेजेस को जो है रिसीव करेंगे, और रिसीव करके ये इनबाउंड कराएंगे, ना तो आपको Amazon का कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत है, ऑटोमेटिकली अपॉइंटमेंट क्रिएट हो जाता है, ये खुद ही सब इन्हीं का काम होता है, ये खुद आगे ऑटोमेटिकली इसको शिप करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये तीनों मेथड होते हैं, इन तीनों मेथड में से जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है, मेरी तरफ से मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपके वेयरहाउस, आपके यहाँ पर Amazon की सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो आप Amazon से प्रोडक्ट भेजिए, Amazon ट्रांसपोर्टेशन से जो है प्रोडक्ट भेजिए, दूसरी प्रायोरिटी आप थर्ड पार्टी सर्विसेज रखिए, और तीसरी अगर आपके पास में वेयरहाउस है तो आप खुद जाके भी दे सकते हैं।
तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को जो है अमेजोन के वेयर हाउसेस पे शिप करवा सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली कराने के लिए मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब शिपमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसको आप देख लीजिएगा कि आपको कैसे अपने प्रोडक्ट को जो है वेयर हाउसेस भेजना होता है। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी तो नॉलेज मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिली है, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि अगर आप बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाते हैं तो मेरा जो अगला वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।